नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे। बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे या चल रही होगी। हिंदी और इंग्लिश का जो 2021 के लिए हटाया गया भाग जो था राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, उसका वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ और काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि भी दूसरे सब्जेक्ट के, हिस्ट्री की डालो, मैथ के डालो। तो वो सारे भी जैसे जैसे कमेंट्स आ रहे हैं उस तरीके से मैं वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसी क्रम में आज अपन कक्षा 12 की इतिहास जो विषय है कला वर्ग का, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि भाई इसमें होने आपकी मार्च 2021 में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं में कौन सा भाग हटाया गया है, क्या क्या परिवर्तन हुआ है। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपके साथ आ जाए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी पता चले। देखो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान परीक्षा आपकी 2021 में मार्च में होगी। स्कूलें खुले नहीं खुले उससे कोई मतलब नहीं, आपकी परीक्षाएं निश्चित समय पर होंगी। इसमें से क्या क्या भाग हटाया गया है देखो। विषय आपका दिख रहा है इतिहास, विषय कोड दिख रहे हैं और कक्षा 12वीं। अब देखो, इसमें वो चीज़ें पहले अपन देखेंगे जो कि इसमें से डिलीट किया गया है, यानी हटाया गया है, जो कि आपको नहीं पढ़ना है वो चीज़ें। तो सबसे पहले देखो इकाई 1, जिसमें भारत का वैभवपूर्ण अतीत, इसमें से जो दूसरे नंबर की बिंदु है उपलब्धियां, वैदिक काल से महाजनपद काल, जिसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति, कला, साहित्य एवं विज्ञान के बारे में जो अध्ययन करना था, ये इस बार परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, इसको नहीं पढ़ना है। इसके बाद देखो इकाई 2, जिसमें भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ, इसमें नंबर 1 हर्षकालीन भारत आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद देखो विजयनगर साम्राज्य उदय, कला एवं साहित्य का विस्तार, ये भी नहीं पढ़ना है, हटा दिया गया है। इसके बाद देखो इकाई 3 की बात करें तो बाह्य आक्रमण और आत्मसातीकरण, इसमें यूनानी, शक, हूण, कुषाण, इनका उद्देश्य और प्रभाव, ये नहीं पढ़ना है आपको 2021 की परीक्षा के लिए। इकाई 4 में देखो मुगल आक्रमण, उद्देश्य एवं प्रभाव, तो इसमें अरब आक्रमण जिसमें दाहिर सेन, नागभट्ट, बप्पा रावल और अन्य, और तुर्क आक्रमण के समय हमीर और रावल रतन सिंह, ये वाला पोर्शन हटा दिया गया है, 2021 की परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद देखो इकाई 5 में उपनिवेशवादी आक्रमण, जिसमें भूमिका, उत्पत्ति और विस्तार, इसके बाद भारत में उपनिवेशवादी आक्रमण, ये पोर्शन हटा दिया गया है, इसको नहीं पढ़ना है। उसके बाद इकाई 6 में देखो आधुनिक स्वाधीनता आंदोलन, जिसमें क्रांतिकारी आंदोलन जो है, जनजातीय प्रतिरोध, अभिनव भारत, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन और गदर पार्टी, इसके बारे में आपको नहीं पढ़ना है। इसके अलावा राजनीतिक आंदोलन में देखो 1907 से 1919, प्रथम विश्व युद्ध एवं भारत जलियांवाला हत्याकांड, ये नहीं पढ़ना है। और 1920 से 1947 में खिलाफत आंदोलन के आंदोलन, उसके परिणाम और प्रतिक्रियाएं, गोलमेज सम्मेलन और द्वितीय विश्व युद्ध एवं भारत, ये चीज़ें नहीं पढ़नी है, ये आपके सिलेबस से हटा दी गई है। तो ये जो परीक्षाएं हैं 2021 मार्च के अंदर होगी, ये चीज़ें आपको हटा दी गई है। अब देखो परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा, किस तरीके से रहेगा। तो देखो परीक्षा 2021 के लिए संशोधित पाठ्यक्रम, यानी पाठ्यक्रम में जो बदलाव हुआ है, विषय इतिहास दिख रहा है, कक्षा 12वीं है। अब इसकी परीक्षा योजना कैसे रहेगी, देखो ये परीक्षा योजना के बारे में बताया है। तो देखो प्रश्न पत्र 1 होगा, एक ही होता है, समय 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। प्रश्न पत्र 80 नंबर का होगा, यानी कि पोर्शन हटा है लेकिन नंबर वही रहेंगे। 80 का ही पहले होता था, 80 का भी अब होगा। 20 नंबर 17 अंक पहले भी जाते थे, अभी भी जाएंगे, यानी अंकों में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। मार्कशीट 100 में से ही आएगी, ये नहीं सोचना कि सिलेबस कम हो गया तो नंबर भी कम हो गए होंगे, नंबर वही है। अब देखो कितने नंबर का कौन सा भाग है, आराम से समझो और अपनी पढ़ाई में जुट जाओ। देखो इकाई 1 में भारत का वैभवपूर्ण अतीत, इसमें देखो ऐतिहासिक स्रोत, साहित्यिक, विभिन्न भाषाई ग्रंथ, विदेशी यात्रियों के विवरण,
वंशावलियां, पुरातात्विक एवं पुरालेखीय और उसके बाद उपलब्धियां में सिंधु घाटी सभ्यता, ये आपके सिलेबस में है। 15 नंबर के सवाल जो है इसमें से पूछे जाएंगे, तो इसको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। इसके बाद देखो भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ में देखो मौर्य काल, साम्राज्य स्थापना एवं प्रशासन और अशोक का धम्म, उसके बाद गुप्त साम्राज्य की स्थापना, आर्थिक स्थिति, कला साहित्य एवं विज्ञान, इसके बाद दक्षिण भारत में चोल प्रशासन, कला और साहित्य, ये आपको पढ़ना है, ये भी 15 अंकों का है। अगला देखो इकाई चार में, इकाई तीन तो हटा दी गई है, इकाई चार में देखो मुगल आक्रमण, उद्देश्य एवं प्रभाव, इसमें पहला पार्ट हटा दिया। दूसरा देखो तुर्क आक्रमण में पृथ्वीराज चौहान और महाराणा कुंभा का आपको पढ़ना है, और मुगल आक्रमण के समय राणा सांगा, राव चंद्रसेन, महाराणा प्रताप, दुर्गादास, शिवाजी और पेशवा, ये आपको पढ़ना है, ठीक है, 10 नंबर का है, ये आपको पढ़ना है, बहुत ही शानदार जीके के सवाल बनते हैं। इसके बाद देखो पांचवा पार्ट जो है उपनिवेशवादी आक्रमण, तो इसमें 1857 का जो पहला भाग है, अब इसमें जो है टाइपिंग में गड़बड़ हो गई इसलिए कुछ दिख नहीं रहा है, हो सकता है 1857 की क्रांति या जो भी, एक ही पांचवी का जो पहला 1857 से रिलेटेड है वही एक सिलेबस में है, 5 नंबर का है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद देखो इकाई छः की बात करें तो आधुनिक स्वाधीनता आंदोलन, जिसमें सामाजिक आंदोलन में ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, क्रांतिकारी आंदोलन में आज़ाद हिंद फौज के बारे में पढ़ना है। राजनीतिक आंदोलन में देखो 1885 से लेके 1907 तक का आपको पढ़ना है। 1885 से पूर्व की स्थिति क्या थी, अंग्रेजी राज्य के प्रति जन भावनाएँ कैसी थी, उसके बाद विभिन्न संगठन में कांग्रेस की स्थापना, उद्देश्य, 1907 तक की कार्यप्रणाली, ये पढ़ना है। उसके बाद बंग भंग का कारण और उसका क्या प्रभाव रहा, फिर 1905 से 1919 के बीच में कांग्रेस में आंतरिक विरोध, इसके परिणाम, अंग्रेज सरकार की प्रतिक्रिया, 1909 एवं 1919 के अधिनियमों का आलोचनात्मक विश्लेषण, ये सब आपको पढ़ना है। फिर देखो 1920 से लेकर 1947 तक की बात करें तो राजनीतिक वातावरण, असहयोग आंदोलन 1920 से 30 तक के घटनाक्रम, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, 20 नंबर का है। इसके बाद देखो भारत 1935 का अधिनियम, प्रांतीय सरकार का निर्माण, 1942 का आंदोलन एवं भारत विभाजन एवं स्वतंत्रता और उसके बाद की समस्याएं, ये पूरे पूरे टॉपिक पढ़ने हैं आपको, 20 नंबर के टॉपिक हैं, ठीक है। इसके बाद देखो इकाई साथ में जो राजस्थान के बारे में है, उसमें स्वाधीनता संग्राम में 1885 से लेकर 1947 तक आपको पढ़ना है, और दूसरा एकीकरण में 1947 के बाद 1 नवंबर 1956 तक जो राजस्थान वर्तमान स्थिति में है, इस एकीकरण के बारे में पढ़ना है, 15 नंबर का ये जो है इकाई है, इसमें से 15 अंकों के सवाल पूछे जाएंगे। तो सिलेबस आपका बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ही आसान कर दिया है, और अब इतना बड़ा भार भी नहीं है, तो आपके पास पर्याप्त समय है, अपने जोर लगाओ, मेहनत करो और बढ़िया से बढ़िया अंकों से जो है सफलता प्राप्त करो, ताकि आपका और आपके परिवार का नाम रोशन हो सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।